जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक संसद की सदस्यता, सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता किन प्रावधानों के आधार पर रद्द होती है या रद्द की जा सकती है। इसके लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालिफाई किन प्रावधानों के आधार पर किया जाता है। यह आने वाले फोर्थ कमिंग जो पीसीएस मेंस एग्जाम होंगे या यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इन सारे प्रावधानों को हम अच्छे से समझेंगे और फिर इसको हम पक्ष और विपक्ष दोनों में तार्किक रूप से एक बैलेंस आंसर को लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि तकनीकी रूप से संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा आता है। राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। सांसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। ऐसा प्रावधान यानी कि यह अभिव्यक्ति की आजादी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी गई है, यह अनुच्छेद 105 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 105 के तहत दी गई है। यह कई बार प्रीलिम्स के एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है, तो इस अनुच्छेद को ध्यान में रखेंगे जो नए एस्पिरेंट्स हैं। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। यही विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। अब हम उन संविधान की धाराओं पे जाएंगे, अनुच्छेद पे जाएंगे, आर्टिकल पे जाएंगे जो डिस्क्वालिफिकेशन को निर्धारित करते हैं, जो आधार बताते हैं। तो भाग पांच में, भाग पांच जिसे संघ विषय के रूप में शीर्षक दिया गया है, उसका अनुच्छेद 102 का एक कहता है कि वह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में जाने और होने के लिए अयोग्य होगा जो 102 का 1 का ये, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत है। इन इंग्लिश यह जो शब्द लिए गए हैं, जो इंग्लिश को आपको दिख रहे हैं, सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमने एज इट इज रख दिया है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। इफ ही होल्ड्स, ही मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, यानी कि राज्य सरकार और भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर अगर कोई एमपी है तो उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आधार बनाते हुए सोनिया गांधी की सदस्यता पूर्व में समाप्त की गई थी या उन्हें डिस्क्वालिफाई किया गया था, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा जो है अनुच्छेद 102 का ए का बी जो है, बी या प्रोविजन है कि बी में कि यदि वह विकृत मस्तिष्क का हो और सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी है, मतलब कि अगर न्यायालय ने किसी एमपी के संदर्भ में यह कह दिया है कि यह मानसिक रूप से सही व्यक्ति नहीं है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, विकृत है, तो उसकी सदस्यता जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रद्द हो जाएगी। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। सी बताता है कि यदि वह अदालत द्वारा घोषित दिवालिया हो, यानी कि किसी अदालत ने किसी एमपी को अगर दिवालिया घोषित कर दिया है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है।
इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। डी में प्रोविजन है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेश राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति के अधीन है। ई में प्रोविजन है कि यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ई को मैंने इसलिए चेकआउट किया हुआ है क्योंकि ई को ही कोट करते हुए वर्तमान में एक एमपी को डिस्क्वालिफाई किया गया है। जो डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर है उस ऑर्डर को देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि कंसिक्वेंट अपॉन हिज कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि होने के परिणाम स्वरूप बाय द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री एक्स वाई जेड मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी stands disqualified from the member of Lok Sabha from the date of his conviction, that is date diya hai, in terms of the provision of articles kaun sa 102(1) ka e of the constitution of India read with padha jaye kiske sath section 8 of the RPA 1951 representation of the people act 1951 ye quote karte hue डिस्क्वालिफाई किया गया मिस्टर एक्स वाई जेड को। तो यहां पर देखेंगे अनुच्छेद 102 को थोड़ा डिटेल में देखेंगे ये क्या है, ये डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर पीटी में ही पूछा जाता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन कौन कौन से में है तो अनुच्छेद 102 का एक के ABCDE में तो है ही, 102 का दो में भी, 101 का एक में भी, 102 का दो में भी। अगर दोनों ऑप्शन सिर्फ 101 मार आएंगे गलत हो जाएगा। दोनों में भी 102 के दो में क्या है वो देख लीजिए। एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य है और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अ बींग मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट मीन्स आइदर राज्यसभा और लोकसभा, ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। अगर दल बदल किया है तो गए काम से, और दल बदल का भी वो अलग प्रोविजन है, उसकी डिटेल में चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर। अब आगे देखिए कि सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर क्या निर्णय है। डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, अनुच्छेद 103 बोलता है कि यदि कोई प्रश्न उठता है, ये सारे फैक्ट्स जानने जरूरी है तभी आप पक्ष और विपक्ष दोनों साइड को समझ पाएंगे और तार्किक रूप से अपने प्रश्नों को उत्तर के रूप में लिख सकेंगे। अनुच्छेद 103 कहता है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद के किसी भी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड एक में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है तो राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करेगा। अब 103 का दो बोलता है, इसको ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति ऐसे किसी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा। बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। तो जो मिस्टर एक्स वाई जेड का जो मेंबरशिप जो रद्द किया गया है तो इसमें यह देखा जाएगा, जब आप आंसर लिखेंगे पक्ष विपक्ष दोनों में तार्किक रूप से, तो जो भाषण दिए गए थे वो चुनाव के समय दिए गए थे और तो चुनाव के समय दिए गए भाषण पे क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई एनी एक्शन लिया या कोई आपत्ति दर्ज की थी
कि इसमें इस तरह के विवाद का या डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा हो या कोई वार्निंग दिया हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ओके, अब देखेंगे कि जो यहाँ पे जो चर्चा किया गया है कि रेड विथ सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इन दोनों को साथ में मिला करके डिस्क्वालिफाई किया गया है। तो यह जो है आरपी एक्ट 1951 वह क्या बताता है? तो यह बताता है एक्ट कि संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत इस अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था। यह संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का संचालन प्रदान करता है। यह इन बातों को भी पुष्टि करता है कि उक्त सदनों का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं होती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 4 कहती है कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी मामले में दोषी ठहराई जाने की तिथि से 3 महीने की तिथि तक अगर दौरान वो अपील दायर करता है तो उसका निपटारा होने तक अपने पद के अयोग्य घोषित नहीं होगा। तो वर्तमान के मामले में इस फैक्ट को हम चेक करेंगे और कोई भी निर्णायक जजमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आंसर चेक करने वाला जो है वो उसका झुकाव किस ओर है आपको पता नहीं है। तो आपको ऑल फैक्ट्स को प्रेजेंट कर देना है और फिर आपको बता देना है कि ये ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है या ऐसा हो रहा है, इस तरह का आप बचते हुए आंसर को लिखेंगे। इसमें चैप्टर 3 में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का ये प्रावधान है। इसके प्रावधान में थोड़े से जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको देख लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कॉन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज, इसमें एक टर्म लिखा है ऑफेंसेज ऑफ प्रमोटिंग इनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। इनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, इस पे ध्यान देखेंगे कि कौन सा नेता दो विभिन्न समूहों समुदायों के बीच जो है शत्रुता को बढ़ा रहा है, प्रमोट कर रहा है ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंस लैंग्वेज एक्सेट्रा एंड डूइंग एक्ट्स prejudicially to maintenance of harmony, यानी कि जो समरसता की भावना को आघात पहुंचा रहा हो, इस तरह के प्रावधान यहाँ पे हैं। जनप्रति ये जो है इसी का हिंदी वर्जन लिख दिया है ताकि हिंदी में जो वाले विद्यार्थी हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में सदस्यता की निर्धारता के लिए क्या क्या प्रावधान है? तो प्रावधान पहला ये है कि कुछ चुनावी अपराधों और चुनाव में भ्रष्ट आचरण के लिए दोष सिद्धि पर अयोग्य कर दिए जाएंगे। कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर निर्भरता, अगर कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि होती है तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्यता, आपको धारा 8 के 1 के तहत अयोग्य कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार या विश्वासघात के लिए बर्खास्तगी के लिए निर्भरता यानी अयोग्यता। सरकारी अनुबंधों आदि के लिए निर्भरता यानी कि अयोग्यता। सरकारी कंपनी के तहत कार्यालय के लिए निर्भरता योग्यता। चुनाव व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफलता के लिए अयोग्यता। तो ये सारे फैक्ट है, जब आप आंसर को लिखेंगे तो स्टार्ट करेंगे पहले इस तरह से लिखेंगे कि संसद क्या है, संसद में बोलने की क्या स्वतंत्रता है, किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है, और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत क्या कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। अब सारे फैक्ट्स को लिखने के बाद फिर पक्ष और विपक्ष में तर्क लिखेंगे। डिसीजन किस संदर्भ में लिया गया, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। आपको मेंस में तो लिखना ही है, इंटरव्यू में भी इससे पूछे जाएंगे। तो आप इसको रट जाइए, आप चबा करके खा जाइए, आत्मसात कर लीजिए इसे। तो इस सेशन के लिए है, लेकिन इसे क्लोज करने के पहले मैं बाबा नागार्जुन की एक कविता है उसको मैं
पढ़ते हुए समाप्त करना चाहता हूं। बाबा नागार्जुन जो है प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं, जानते हैं आप। बाबा नागार्जुन कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर, बापू के सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर, बापू के सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। आगे लिखते हैं कि सत्य अहिंसा फांक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, पूंछों से छवि आंक रहे हैं तीनों बंदर बापू के। धन्यवाद।